डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, हम लोग मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक से हम लोग फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में, हम लोग जो एनसीईआरटी से हम लोग चल रहे थे वो एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस को देख रहे थे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 6.5 में आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक के डिस्कस किया था। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, कोन का मतलब शंकु, तो एक हम लोग यहाँ पे वर्टिकल एंगल वाला शंकु बना लेते हैं। ये हम लोगों का शंकु है और इस शंकु में जैसा कि आपको पता है इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, हम कुछ ना कुछ रेडियस को आर मान लिए हैं और इसके कुछ ना कुछ ऊंचाई को एच मान लिए हैं। ठीक है, हाइट मेरा एच है, त्रिज्या रेडियस मेरा आर है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि सेमी सर्कुलर मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन दैट स्लेंट हाइट इज टेन इनवर्स रूट टू। ठीक है, हमें यहां प्रूव करना है कि स्लेंट हाइट से जो मेरा एंगल बन रहा है, मान लिया जाए एंगल बन रहा है थीटा, स्लेंट हाइट का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, ये हो गया कौन सा ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, जिसको स्लेंट हाइट कहते हैं, कौन सा हाइट, स्लेंट हाइट। देख लो भाई, हमें यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है जरा समझियो। यहां पे बोल रहा है कि एक शंकु है और शंकु का जो स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट का मतलब तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग एल बोलते हैं, अंग्रेजी में स्लेंट हाइट बोलते हैं, अंग्रेजी में स्लेंट हाइट और हिंदी में तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो ये तिर्यक ऊंचाई एल हो गया, हम लोगों का त्रिज्या इसका आर है, ऊंचाई एच है और जो तिर्यक ऊंचाई है वो हाइट से कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे। तो हमें प्रूफ करना है, यहां पे सबसे पहले आप मान लीजिए कि क्या क्या माने हैं, लेट रेडियस माने हैं हम यहां पे आर। ठीक है, हाइट को माने हम लोग एच, हाइट को एच, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट को हम लोग माने हैं एल। ठीक है, और एंगल कितना माने हैं, थीटा, एंगल हम लोगों का थीटा है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है भाई, कि थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट टू, ये हमें प्रूफ करना है। देख लो क्या प्रूफ करना है इस सवाल में, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट टू, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले आप एक बात समझो कि थीटा बराबर टेन इनवर्स रूट टू प्रूफ करना है, तो आपने इलेवेंथ क्लास में फिजिक्स में एक वेक्टर यानी कि सदिश और अदिश मात्रक के बारे में पढ़ा होगा। वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लिया कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, इससे अगर दोस्तों किसी बिंदु से अगर थीटा कोण पे कोई अगर एक रेखा गुजरे, तो जिधर थीटा होता है, जिधर थीटा होता है उधर हम लोग बोलते हैं, बात किया जाए तो जिधर थीटा होता है उधर हम लोग कोस थीटा लेते हैं। ठीक है, तो इधर जिधर थीटा है उधर हम लोग ले लिए कोस थीटा और जिधर नहीं है उधर हो जाता है साइन थीटा। मैंने थीटा लगा हुआ है ना, तो जिधर थीटा लगा हुआ होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, जिधर थीटा लगा हुआ रहता है उधर कोस थीटा और जिधर नहीं लगा हुआ होता है उसको हम लोग लेते हैं साइन थीटा। दोस्तों आप यहां पे समझे, ये जो थीटा है यहां से इसको हम लोग एक पार्ट ये कंपोनेंट तोड़ सकते हैं और दूसरा कंपोनेंट ये तोड़ सकते हैं,
बिल्कुल 90 डिग्री पर। अब तो पता चल रहा है कि इधर की ओर जो हम लोग लेंगे वो एच है ना, ये एच है, तो इधर हो जाएगा कॉस थीटा और इधर टूटेगा साइन थीटा। अब कौन सा साइन थीटा भाई, तो इसके बीच में हम लोग एल है, एल है, तो ए को हो जाएगा एच इज इक्वल टू हम लोगों का होगा एल साइन थीटा, यानी कि बीचों बीच जो होता है एल गुजरा हुआ है, तो एल कॉस थीटा, यहां एल साइन थीटा, देख पा रहे होंगे। तो जब हम लोगों का ये कंपोनेंट एल साइन थीटा हुआ, तब हम बोल सकते हैं कि यही क्या ना समानांतर ये रेखा भी है, इसलिए आप यहां फिगर से चलेंगे, यानी कि इन फिगर आप देख पा रहे होंगे, अब यहां से कंपोनेंट तोड़ने के बाद इन फिगर चलिए, इन फिगर, तो आपको क्या पता चल रहा है कि जो रेडियस है आर है वो किसके बराबर हो गया, तो एल साइन थीटा के बराबर, और जो मेरा हाइट हो गया, हाइट वो किसके बराबर, तो एल कॉस थीटा के बराबर, एल कॉस थीटा के बराबर। अब हम लोग फार्मूला से चलेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का पाई आर स्क्वायर दोस्तों, तो आर स्क्वायर का मतलब कि एल का भी स्क्वायर और साइन थीटा का भी स्क्वायर, यानी यहां रख दिया एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एच, एच का मतलब एल कॉस थीटा, तो कुल मिलाकर हमें क्या बन रहा है यहां पे, तो पाई बाय थ्री, क्योंकि पाई को वन से गुणा किया, पाई एल स्क्वायर और एल मिलके कितना हुआ एल क्यूब, और साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा। अब हमें वॉल्यूम निकल गया, और इसी वॉल्यूम के बाद बारे में सवाल बोल रहा है कि हम लोगों का मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए, तो जो हम लोग वॉल्यूम निकाले दोस्तों, इस वॉल्यूम के बारे में बोला क्या, मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, तो जिसके बारे में दोस्तों मैक्सिमम या मिनिमम बोलता है उसी को ना हम लोग कुछ मानते हैं, और कुछ मतलब एफएक्स मानते हैं, लेकिन यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि हमको थीटा बराबर प्रूफ करना है, तो एफएल तो मान नहीं सकते हैं, इसलिए थीटा को हम लोग मानेंगे, तो यहां पे लेट एफ थीटा इज इक्वल क्या बन गया, एफ थीटा इज इक्वल यही पाई बाय थ्री एल क्यू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोगों को ये बन गया, क्या बन गया भाई, तो पाई बाय थ्री एल क्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अच्छा, अब फिर इसका यूजिंग करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, तो एफ डैश थीटा इक्वल जीरो। हम लोग देखिए थीटा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में ही हम लोगों का फंक्शन आया हुआ है, अगर ये एक्स के फंक्शन में रहता तो एफ एक्स मानते हैं, यहां पे थीटा थीटा है तो हम लोग इसको थीटा मान लिए। अब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, एफ डैश थीटा इक्वल जीरो, और एफ डैश थीटा इक्वल जीरो का मतलब दोस्तों एफ डैश थीटा, फिगर का कोई काम नहीं है मिटा देते हैं, एफ डैश थीटा का मतलब डिफ्रेंसिएशन, और डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो पाई बाई थ्री भी कॉन्स्टेंट है, एल क्यू भी कॉन्स्टेंट है, तो पाई बाई थ्री और एल क्यू को बाहर निकाल लीजिए क्योंकि कॉन्स्टेंट है। अब हम लोग इसको यहां के बाद से इसको डिफ्रेंसिएशन कराने के लिए एक को नाम रख दिया जाए यू और दूसरा का भी, तो यू इंटू भी पर हम लोग इसको तोड़ देंगे, यू इंटू भी पर इसको तोड़ देंगे, तो यू इंटू भी का फार्मूला क्या होता है, यू को बाहर निकालो, हम साइन स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल लिया, फिर भी का डिफरेंशिएशन करो तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, फिर प्लस, अब की बार कॉस थीटा को बाहर करो, कॉस थीटा को बाहर कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन, तो साइन स्क्वायर है तो दो बाहर आ जाएगा, तो टू साइन थीटा का पावर एक बचेगा, और फिर से साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहां बनेगा कॉस थीटा। दोस्त ये कॉस थीटा बाहर निकाल लिए हैं, ठीक है,
साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन इतना हुआ, ठीक है। साइन स्क्वायर का टू बाहर आ गया तो साइन थीटा, और फिर से चूंकि साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल में कितना दोस्तों, जीरो। अब आप देख पा रहे होंगे कि इतना सारा चीज क्या है, गुना में है ना, पूरा का गुना में है ये, और जैसे ही इतना सारा चीज बट्टा में जाएगा पूरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बचेगा क्या, तो माइनस साइन क्यू थीटा, ठीक है, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इक्वल जीरो। दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि साइन थीटा कॉमन है, आप साइन थीटा को कॉमन कर लो। यहां पे हम लोगों ने साइन थीटा को कॉमन कर लिया, तो साइन थीटा को कॉमन किया तो यहां पे स्क्वायर बचेगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे क्या बच रहा होगा ऑनली दोस्तों, साइन थीटा को बाहर लिया है ना, तो हम लोगों को यहां पे क्या बच रहा होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना, जीरो। अब ये साइन थीटा है ना गुना में, तो ये भी साइन थीटा नीचे जाएगा तो कितना होगा, जीरो, क्योंकि जीरो से भाग होगा तो जीरो बचेगा। तो अब हम लोगों को यहां क्या बन रहा होगा, सिर्फ माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल जीरो, ठीक है। अब आप देख लो ये प्लस में है ना, उधर जाएगा तो किसमें होगा, माइनस में, यानी कि आप ऐसे देख लो यहां पे कैसे भाई, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यहां पे हम लोगों ने माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस प्लस है ना इधर, उधर हम लोग करेंगे तो किसमें होगा, तो माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे हम लोगों को कुछ इस तरीके की कंडीशन में आ रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, माइनस माइनस हम लोगों ने कट कर दिया, यहां पे क्या बच रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इज इक्वल यहां पे टू है ना, तो टू को हम लोग कितना का स्क्वायर कर सकते हैं, तो रूट टू, दैट मीन्स रूट टू, एंड इट इज कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं भाई, इसलिए ना कि अगर पावर का हम लोगों का यहां पे टू बच रहा है, यहां पे भी पावर टू बच रहा है, तो पावर अगर सेम रहता है हम लोग उसको कट कर देते हैं। तो अब जो हम लोगों को आगे बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है, इट मीन्स साइन थीटा, क्यों, क्योंकि यहां से पावर जो है कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो जब पावर कैंसिल आउट हो गया है तो अब हम लोग को यहां साइन थीटा बच रहा है और यहां रूट टू, दैट मीन्स कॉस थीटा, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि डिवाइडिंग विथ कॉस थीटा बोथ साइड, यानी कि कॉस थीटा से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यह मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है कि हम लोग किसी भी मैथमेटिक्स में हम लोग अपने तरीके से कुछ नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे हम लोग तरफ एक तरफ बन रहा है साइन थीटा और दूसरे तरफ बन रहा है रूट टू कॉस थीटा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि हम लोगों को प्रूव भी तो करना है, थीटा इज इक्वल टैन इनवर्स रूट टू, ठीक है। तो ये चीजें प्रूफ करने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब भाई ऐसे दिमाग लगाओ यहां पे कि किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, तो यहां पे पता चल रहा है हियर डिवाइडिंग विथ कॉस थीटा बोथ साइड, डिवाइडिंग विथ कॉस थीटा बोथ साइड। हम लोगों ने यहां पे क्या करा, तो कॉस थीटा से डिवाइड, तो जब यहां पे भाई कॉस थीटा से डिवाइड करो क्या बचेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड इज इक्वल रूट टू कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, देन इट इज कट कैंसिल एंड साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हम लोग पढ़े ना क्लास टेंथ में, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा इज इक्वल रूट टू, ठीक है। और फिर से आप देख लो यहां पे हम लोग क्लास ट्वेल्थ के लिए हम लोग आईटीएफ चैप्टर को पढ़ा है,
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वहां पे आप यहाँ पे कौन से रूल्स इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी एंगल इक्वल टू कुछ सम वैल्यू दिया रहता है तो वहां से थीटा जो है इनवर्स में चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग को प्रूफ आउट हो गया है कि जो थीटा का वैल्यू होगा ना वो कैसे होगा। तो ये थीटा है और टैन है इधर और उधर जाएगा तो क्या होगा, थीटा इक्वल टैन इनवर्स रूट टू। ये हम लोगों ने पढ़ा है क्लास ट्वेल्थ के दूसरे नंबर चैप्टर, इट मींस आईटीएफ को, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोगों का प्रूव्ड हो चुका है जो सवाल बोल रहा था, ठीक है। तो आप कुल मिलाकर देखिए तो हम लोग एक्सरसाइज 7.2 जक का जो क्वेश्चन था, तो 7.2 क्वेश्चन में हम लोग सॉरी 7.2 नहीं 6.5 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हम लोग 25 देख लेते हैं क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन को प्रूफ किया भाई, आप देख पा रहे होंगे 26 क्वेश्चन में सब कुछ सेम ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब ये थोड़ा सा अंतर ना काम बिगाड़ देगा फिर। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। यहां पे हमें साइन इनवर्स 1/3 प्रूफ करना है, ठीक है, साइन इनवर्स 1/3 प्रूफ करना है। चलिए देख लेते इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये कितना है 26। तो देखा जाए 26 क्वेश्चन में क्या है, 26 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 26 क्वेश्चन बोल रहा है सेम कंडीशन है हम लोगों का, सेम कंडीशन है, इट मींस कि यहां भी एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन है मतलब कि शंकु। बनाते हैं फिगर जरा। तो यहां पे हम लोगों का ए राइट सर्कुलर कोन बन गया, ठीक है, ए राइट सर्कुलर हम लोगों का कोन बन गया। अब ये राइट सर्कुलर कोन है थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ना, इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये हम लोग को सही मायने में बना है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, आप अपने कॉपी में ना अच्छे से इसको बनाइएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे एक सर्कुलर है कोन जिसमें सरफेस एरिया के बारे में बोला है, हमें दिया हुआ है सरफेस एरिया क्या हुआ दिया हुआ है, लेकिन इसके वॉल्यूम के बारे में बोला है मैक्सिमम। ध्यान देना यहां पे जो है हम लोगों को सरफेस एरिया के बारे में बोला है कि गिवन है, और इस सरफेस एरिया में जो हमें वैल्यू गिवन है इसी से हमको चलते चलते क्या करना है, प्रूफ आउट करना है कि जो थीटा का वैल्यू होगा वो साइन इनवर्स 1/3 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो भाई यहां पे भी हम लोगों को कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि कोण है तो कोण में हमें यहां पे आर मानना पड़ेगा इसको, और इसको आपको मानना पड़ेगा h, ठीक है। और आपको पता है कि कोण में रेडियस होते हैं, हाइट होते हैं, एंड इसके अलावे स्लेंट हाइट होते हैं, l होता है जिसको स्लेंट हाइट बोलते हैं, मतलब तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे हम लोग सेम चीज सेम कंडीशन है, तो आप यहां पे लिख देना जरा लैंग्वेज, हम उसको अभी छोड़ रहे हैं, आप लिख दीजिएगा लेट रेडियस इक्वल आर, हाइट इक्वल एच, स्लेंट हाइट इज इक्वल एल, ठीक है। अब यहां पे भी मानना पड़ेगा दैट इज मीन्स थीटा, ठीक है, और क्योंकि यहां पे भी हमें क्या प्रूव करना है, थीटा ही इज इक्वल प्रूव करना है कि हमें जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए भाई। तो हमको इस सिचुएशन में जो आना चाहिए वो वॉल्यूम हम लोगों को आना चाहिए, नहीं क्योंकि ये इनवर्स में है तो एंगल होना चाहिए। तो यहां पे हमें प्रूफ क्या करना है, तो उसके नीचे लिखिएगा वी हैव टू प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, थीटा इज इक्वल साइन इनवर्स 1/3। ये आप लैंग्वेज थोड़ा सा ना अपने से जोड़ लीजिएगा कि किसको किसको क्या माना है, लेट मैंने माना रेडियस आर, हाइट ऊंचाई एच,
और तिर्यक ऊंचाई एल और यहाँ पे एंगल थीटा। ठीक है, अब सवाल है यहाँ पे कि आपको गिवन सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया का मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। हम लोगों को ये कोण में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है तो यहां पे लिखेंगे, चूंकि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कोण, फार्मूला क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे टेंथ क्लास में, क्या होता है तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है शंकु का वो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होता है। तो अब हम लोग यहां पे एक चीज करें तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन को हम लोग एस से सूचित कर रहे हैं फिलहाल। सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब एस इज इक्वल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, लेकिन दोस्तों इस एल के जगह पे, इस एल के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं जरा सोचो। एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एक त्रिभुज का कर्ण बन रहा है और इस एल के जगह पे हम रख सकते हैं रूट अंडर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, याद तो ठीक है। हम लोगों ने सरफेस एरिया को एस लिखा, पाई आर स्क्वायर को छोड़ दिया, पाई आर एल के जगह पे इस तिर्यक ऊंचाई के जगह पे हम लोगों ने यहां पे रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख दिया। दोस्तों यहां से अब अगर हम लोग जरा किसका वैल्यू निकालें तो यहां से अगर हम लोग पाई आर एल का वैल्यू यहां से अगर निकाले तो इस पाई आर स्क्वायर को जब हम लोग इधर करेंगे तो क्या बन रहा होगा तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर, इधर क्या बच रहा होगा तो पाई आर इंटू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। अब दोस्तों इस पाई आर को तो भी नीचे भेज सकते हैं तो क्या बन रहा होगा यहां पे एस माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड ये पाई आर नीचे आ गया, यहां पे क्या बच रहा होगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, करेक्ट। यानी कि पहले इसको हम लोग इधर कर दिए माइनस, ये पाई आर गुना में था वो कहां चल गया नीचे चला गया, और जैसा कि जानते हैं हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब दोनों तरफ स्क्वायर करना शुरू करते हैं। तो यहां पे उसके नीचे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो इधर जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा एस माइनस पायर स्क्वायर बटा पायर का होल स्क्वायर इज इक्वल, इधर जब स्क्वायर करेंगे तो यहां बन रहा होगा एच स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग जानते हैं ना कि ऊपर का भी स्क्वायर होता है और नीचे का भी स्क्वायर होता है, मतलब एस माइनस पायर स्क्वायर का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नीचे भी स्क्वायर होगा तो नीचे स्क्वायर होगा तो पाई का स्क्वायर आर का भी स्क्वायर इज इक्वल, इधर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो जब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहां बन गया तो आप देख पाते होंगे यहां पे हम लोग यहां पे कैसे करते हैं तो एच का वैल्यू हमको यहां पे निकालना है। तो एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो देख पा रहे होंगे आप आर स्क्वायर यहां प्लस है, जरा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मन में कर लेते हैं पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर का स्क्वायर आर के पावर फोर माइनस टू ए बी, तो टू एस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस आर स्क्वायर बाई वन इज इक्वल एच स्क्वायर,
फिर से क्या करेंगे पता, तो हम लोग फिर से इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका इसका कितना होगा, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये कितनी बार में कट रहा होगा, एक बार में, और फिर जस का तस पुट कर लेंगे, इट मीन्स एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर के पावर फोर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर, और इस माइनस आर स्क्वायर को इससे मल्टीपल करेंगे, तो माइनस एक से इतनी बार में कट रहा होगा और फिर इसको इससे मल्टीपल करेंगे, तो पाई स्क्वायर आर के पावर फोर इज इक्वल एच स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे सब चीज को कि हम लोगों का ये फंडा जो है कैंसिल आउट हो रहा है, तो बच क्या रहा है भाई, तो जो बच रहा होगा हम लोग आगे देख लेते हैं, तो हम लोगों को जो बच रहा है यहां पर, और फिगर का कोई काम नहीं है इसको, सॉरी फिगर का काम था, चलिए फिर से हम लोग फिगर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिट गया वहां पे। तो यहां पे अभी जो जो बच रहा है चीजों को लिखते जाएंगे, तो क्या बन रहा होगा, तो एस स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एंड इट्स इक्वल टू एच स्क्वायर, राइट। अब इतना चीजों को हम लोग आ गया करते करते कैलकुलेशन। अब जो एच स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों यहां पे मिल रहा है, एच स्क्वायर का वैल्यू तो हम लोगों को पुट कर दिए, अब जो एच स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों यहां पे आया है, अब आप करेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कोन का फिगर बनाए थे ना, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम को हम लोग भी लिख सकते हैं, जैसे सरफेस एरिया को एस से सूचित किए हैं, यह एक कांस्टेंट है, वैसे ही वॉल्यूम क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको भी से सूचित किए हुए हैं, इज इक्वल वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों हम लोगों को तो यहाँ पे एच स्क्वायर का ना वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे किसी तरह से एच स्क्वायर बनाएंगे, तो एच स्क्वायर कब बनेगा जरा सोचिए, तो यहाँ पे एच स्क्वायर तभी बन सकता है जब दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे फिर से अगेन अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहां पे क्या बन रहा होगा, वी का स्क्वायर, राइट, यहां पे वी का स्क्वायर एंड इट्स इक्वल वन बाय थ्री का स्क्वायर, मतलब वन बाय नाइन, पाई का भी स्क्वायर करो पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे आर का पावर फोर, एच का स्क्वायर करेंगे एच स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ हम लोगों ने क्या करा, स्क्वायर कर दिया। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो आप देख पा रहे होंगे कि एच स्क्वायर का फार्मूला हम लोग पहले ला चुके हैं, ठीक है, तो इस एच स्क्वायर का जो वैल्यू है यहां पे हम लोग पुट करेंगे, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, पुट कर लेते हैं भाई में, तो यहां पे जो बन रहा है हम लोगों को वी स्क्वायर इज इक्वल वन बाय नाइन यहां पे पाई स्क्वायर आर के पावर फोर इंटू एच स्क्वायर, देखो भाई एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का कितना वैल्यू है, एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड डिवाइडेड पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि यहां से पाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और आर स्क्वायर है, यहां आर चार गो है, यहां आर जो है दो ठो है, तो यहां कट करेंगे तो दो ठो बच रहा होगा, यानी कि कुल मिलाकर यहां पे अभी हम लोगों को क्या क्या आ रहा है जरा देखते हैं, तो यहां पे जो अभी तक के हम लोगों को मिला वो क्या मिला, वी स्क्वायर इज इक्वल वन बाय नाइन आर स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये चीजें हम लोगों को भी मिल रहा है। अब सबसे पहली बात कि यहां पे स्क्वायर है ना भाई, यहां पे क्या है स्क्वायर है,
तो जब इधर स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, जब यहां पे स्क्वायर है तो हम लोग करेंगे क्या, देख पा रहे होंगे कि वन मिनट, हम लोगों को यहां पे जो चीजें मिल रही है वो क्या मिल रहा है, तो 1/9 पाई स्क्वायर आर के पावर 4 एच स्क्वायर था, तो एच स्क्वायर का हम लोगों का यहां पे जो वैल्यू आया था, एच स्क्वायर का क्या वैल्यू आया था, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ना यहां पे पुट कर दिया, ठीक है। अब हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो इसको ना हम लोगों को उधर जाकर स्क्वायर रूट चढ़ाना पड़ेगा, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर हटता है पूरा उधर रूट चढ़ गया, ठीक है रूट चढ़ गया, तो क्या क्या बन रहा होगा जरा देख लेते हैं। तो यहां पे हम लोगों को बन रहा है 1/9 आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जरा हम लोग इस भी के बारे में बात कर लेते हैं, वॉल्यूम 1/9 का वर्गमूल कितना होगा, तो 1/3 आर स्क्वायर का सिर्फ r, और ये तो रूट में ही चला जाएगा ना, रूट कितना s स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। दोस्तों ये हम लोगों को अभी कर क्या निकल कर आ रहा है, वॉल्यूम यानी कि भी का वैल्यू निकल कर आ गया, भी का वैल्यू निकल कर आ गया, और जब भी का वैल्यू हम लोगों को निकल कर आ रहा था तो हम लोग यही बोला कि मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए, भी मतलब वॉल्यूम, और इसी के बारे में तो बोला सवाल कि क्या होना चाहिए मैक्सिमम। तो ये जो मैक्सिमम होना चाहिए, यहां पे देख पा रहे होंगे कि एस भी मेरे पास कॉन्स्टेंट है और पाई भी कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग एफ एक्स मानते थे ना, तो यहां पर एफ आर मानेंगे, तो यहां पे लिख देंगे लेट, इसी को क्यों मानेंगे एफ, क्योंकि मैक्सिमम बोला, तो लेट एफ आर इज इक्वल 1/3 इंटू आर इंटू रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मान लिया तो यहां पे एक फार्मूला यूज करते हैं, यूजिंग एफ डैश आर इक्वल जीरो, एफ डैश आर इक्वल जीरो, तो जब एफ डेस आर इक्वल जीरो हम लोग यहां पे प्रूव करेंगे तो क्या क्या बनेगा जरा देख लेते हैं। तो एफ डेस आर इक्वल जीरो यहां पे लाएंगे तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे 1/3 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग को करना होगा, ये तो बाहर निकल गया, इसको मान लिया यू और इसको मान लिया वी, ठीक है। तो यू इंटू वी पे तोड़ देंगे तो यू को बाहर निकालो, आर को बाहर निकाल दिया, भी का डिफरेंशिएशन, तो भी का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहां हो जाएगा 1/2 रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर इनटू रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स हो गया, और रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन, तो एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना भाई, तो कॉन्स्टेंट है जीरो, और माइनस 2s पाई ये बाहर निकल जाएगा, और r स्क्वायर का कितना बनेगा, तो 2r, ये डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका हुआ यहां से लेकर यहां तक। फिर होता है प्लस, प्लस इस बार भी को बाहर करेंगे तो रूट अंडर s स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर, और भी का डिफरेंशिएशन, तो भी कितना है r ना, तो r का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पे 1 लिख दो और इक्वल जीरो। अब देख लो भाई यहां पे आप कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे काम हम लोग कर रहे होंगे, तो देख लो 1/3 पूरा ब्रैकेट के आगे है 1/3, तो 1/3 से अगर डिवाइड करेंगे इधर तो कितना होगा जीरो ना, तो समझो जीरो हो गया। तो अब ऊपर ऊपर का आर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 = 4 एस पाई आर, आर मिलकर आर स्क्वायर, तो माइनस में 4 एस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड 2। अच्छा एक मिनट, 2 से तो 2 एक ठो काट देंगे, काट भी सकते हैं, तो ऊपर बच रहा होगा 2 और नीचे बन गया रूट एस स्क्वायर माइनस
टू एस पाई आर स्क्वायर प्लस यहां पे बन रहा होगा रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन इक्वल जीरो। दोस्तों यहां से हम लोग इसको एलसीएम करा लेंगे, तो एलसीएम करा लेंगे तो क्या होगा एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर, तो इससे ये एक बार में कटा तो ये पूरा का पूरा वही आ जाएगा माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पूरा का पूरा वही प्लस वन से ये पूरा बार में कट रहा है तो ये रूट है और ये रूट है तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां बच जाएगा एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर इक्वल जीरो। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों को जो यहाँ पे बन रहा है वो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा इधर, तो नीचे वाला जीरो से मल्टीपल हो जाएगा पूरा बच जाएगा जीरो। तो कुल मिलाकर हम लोगों को क्या क्या बन रहा है जरा देख लीजिए, यहाँ पे जो हम लोग बच रहा है ये माइनस में टू एस पाई आर स्क्वायर है, ये माइनस में टू एस पाई आर स्क्वायर है, तो दोनों एड हो जाएगा बचेगा क्या माइनस फोर एस पाई आर स्क्वायर ये दोनों, फिर यहां पे बच जाएगा सिर्फ एस स्क्वायर और ये तो ऑलरेडी उधर गया जीरो। ठीक है, यहां पे दिख पा रहे होंगे आपको कि यहां से जब हम लोग एक एस को स्क्वायर को उधर ले जाएंगे इट मींस कि यहां पे बन रहा होगा ये माइनस है उधर ले जाएंगे तो प्लस, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एस पाई आर स्क्वायर, तो एस से एक वो एस कटा तो एस का वैल्यू कितना आ गया दोस्त फोर पाई आर स्क्वायर। तो हम लोगों को जो अभी एस का वैल्यू निकला वो एस का वैल्यू क्या निकला दोस्त पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा हम लोग एच स्क्वायर से चलते हैं और एच स्क्वायर से चलते हैं और फिर हम लोगों को फार्मूला पुट करते हैं, तो एच स्क्वायर का फार्मूला क्या था जरा देख लेते हैं। तो चूंकि ये तो एस आया ना यहां पर, नाउ आप कर लो या देखो चूंकि एच स्क्वायर का फार्मूला क्या था तो एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर बट्टा ऐसे ही था ना एच स्क्वायर का, देख लेते हैं क्या हम लोग निकाले हुए थे, तो एच स्क्वायर था एस स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर बट्टा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला था, तो अब इसी फार्मूला में हम लोग एस के फार्मूला को रखेंगे, तो यहां पे रखेंगे तो क्या क्या बन रहा होगा देख लेते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल एस के जगह पर फोर पाई आर स्क्वायर रखेंगे तो एस का स्क्वायर करना ना मतलब चार का स्क्वायर सोलह, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर का पावर फोर स्क्वायर कर दिया माइनस माइनस टू टू इंटू एस, तो एस की जगह पे फोर पाई आर स्क्वायर फिर इंटू एस पाई आर स्क्वायर, सॉरी एस तो हम लोग पुट कर दिया ना टू इंटू एस, एस का तो जगह पे ये हो गया फिर पाई आर स्क्वायर और बट्टा में कितना बट्टा में पाई स्क्वायर आर का स्क्वायर, तो यहां पे अब एच स्क्वायर कितना बन रहा है जरा देख लेते हैं, सोलह पाई स्क्वायर आर के पावर फोर माइनस चार दुना का आठ पाई पाई मिलके पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर का पावर फोर बट्टा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो हम लोग इसके आगे अगर करना चाहे तो कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा, देख पा रहे होंगे यहां पे एच स्क्वायर इज इक्वल सोलह में से आठ गया कितना बच रहा होगा आठ पाई स्क्वायर आर के पावर फोर बाई पाई स्क्वायर आर के पावर फोर, ये कैंसिल और यहां पे टू है ना नीचे में तो ये कट रहा होगा टू बच रहा होगा, तो इसलिए यहां पे एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आया आठ आर स्क्वायर। दोस्तों एच का होल स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं और आठ स्क्वायर आठ आर स्क्वायर को टू रूट टू आर का पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा करने से एक फायदा बना ये कैंसिल आउट हो गया तो इसलिए एच का वैल्यू कितना आया हम लोगों का टू रूट टू आर, एच का वैल्यू कितना आया टू रूट टू आर देख पा रहे होंगे, तो जो हम लोगों को एच का वैल्यू हम लोगों को मिला
अब हम लोग यहां पे फिगर से चलेंगे, ठीक है। चूंकि आप देख पा रहे होंगे हम लोग फिगर मिटा चुके हैं, लेकिन फिगर को फिर से आपको बनाकर दिखा देते हैं। फिगर हम लोगों का कैसा होता है देखिएगा, एक कोण था, शंकु था, जिसमें इसको तिर्यक ऊंचाई बोल रहे थे, इसको एच बोल रहे थे, इसको आर बोल रहे थे, और दोस्तों हम लोग यहां पे इसको थीटा माने थे ना। तो याद करो आप, हमको साइन प्रूफ करना है ना, तो इस थीटा में अगर साइन लगाएंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब कहलाता है सामने वाला और कर्ण कहलाता है सबसे बड़ी भुजा, समझ रहे ना। तो यहां पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन फिगर काम करना पड़ेगा, इन फिगर में आप साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, पी बाई एच, लंब बटा कर्ण। तो यहां साइन थीटा का साइन थीटा छोड़िए, पी का मतलब इसके सामने वाला पी क्या है, आर ना, तो यहां आर लिख दीजिए, और एच, एच का मतलब कुछ ही, हाइट नहीं, एच का मतलब कर्ण, और यहां कर्ण कौन सा है, एल, ठीक है। तो एच आर बटा में एल। दोस्तों आप यहां पे आप ये देखिए कि साइन थीटा इज इक्वल आर बटा कर्ण एल है ना, इसी एल के जगह पे क्या हम लोग लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, रूट अंडर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू अभी अभी निकला, आर ऊपर है, और दोस्तों एच का वैल्यू निकला टू रूट टू का आर, इसीलिए एच स्क्वायर के जगह पर जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर के जगह पर आठ आर स्क्वायर रख सकते हैं, एच स्क्वायर के जगह पर कितना रख सकते हैं, आठ आर स्क्वायर, तो इस एच स्क्वायर के जगह पर रख दिया डायरेक्ट एट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोस्तों यहां पे हम लोगों को अब साइन थीटा इज इक्वल क्या बन रहा है जरा देख लीजिए, तो यहां पे बन रहा होगा हम लोगों का साइन थीटा इज इक्वल आर डिवाइडेड आठ आर स्क्वायर और आर स्क्वायर को जोड़ेंगे नौ आर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए यहां पे बन रहा होगा साइन थीटा इज इक्वल आर अपॉन नौ का वर्गमूल तीन और आर स्क्वायर का वर्गमूल आर, तो कट गया वन बार में, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, वन बाय थ्री। दोस्तों थीटा इज इक्वल टू साइन उधर जाएगा साइन इनवर्स वन बाय थ्री। तो इस तरीके से हम लोगों को ये चीजें प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप समझेंगे सिस्टमैटिक तरीके से तो दैट इज अ वेरी इजी, डोंट टफ ऑफ एनी प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, जो 27 नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से बोल रहा है, जैसे द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई, ठीक है। एक कर्व दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई, विच ऑफ द नियरेस्ट का मतलब होता है नज़दीक की दूरी टू द पॉइंट 0.5, यानी बोल रहा है कि एक दूरी है जो बहुत ही नज़दीक की दूरी है, किस पॉइंट से, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई इक्वेशन से 0.5 का पॉइंट है। यानी हम यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं कि गिवन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, तो 2y, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 जो है गुना में है, नीचे आएगा तो भागा हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू वाई। तो हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y था, तो हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल दिए। लेट द पॉइंट इज इक्वल एक्स वाई, हम क्या एक
एक बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो एक्स वाई होता है। हम मान लिए कि एक्स वाई है, हियर हियर यहाँ पे पॉइंट कितना हो जाएगा, हम लोग एक्स और वाई निर्देशांक माने थे, तो एक्स निर्देशांक का एक्स ही निर्देशांक छोड़ दीजिए, वाई का वैल्यू क्या आया है तो एक्स स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। तो हम लोगों का दो एगो बिंदु पता चल गया, एंड गिवेन पॉइंट, गिवेन पॉइंट्स हमें गिवेन पॉइंट कितना है सवाल में, तो गिवेन पॉइंट देखिए यहाँ पे है जीरो और फाइव, तो जीरो और फाइव ठीक है। अब हमें दो पॉइंट पता चल गया, आप अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एक सीधा लाइन के थ्रू, तो एक सीधा लाइन के थ्रू ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट हुआ हम लोगों का एक्स और एक्स स्क्वायर बाई टू, और एक दूसरा पॉइंट हो गया जीरो और फाइव। तो इसके बीच का नियरेस्ट दूरी बोल रहा है, नियरेस्ट, नियरेस्ट का मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस ठीक है, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो अब यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं निर्देशांक ज्यामिति में, दोस्तों आपने क्लास टेंथ में भी पढ़ा होगा ठीक है, क्लास टेंथ में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र के बारे में पढ़ा होगा आपने कि दूरी सूत्र क्या होता है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप दूरी सूत्र लगाइएगा, तो दूरी सूत्र क्या होता है तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला में इसका नाम दे दीजिए a, इसका नाम दे दीजिए b। तो ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, तो ए बी का होगा रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर मतलब जीरो माइनस एक्स का होल स्क्वायर ठीक है, प्लस फाइव माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू का होल स्क्वायर होगा ना, एक्स टू माइनस एक्स वन बटा वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अच्छा यही ए बी डिस्टेंस निकल कर कितना आएगा जरा देखते हैं, तो जीरो माइनस एक्स कितना होगा, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, बटा एक लिख देंगे, एक और दो का एलसीएम दो, एक से कितने बार में, दो बार में, यहाँ हो जाएगा दस, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और पूरा का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे जब आगे सॉल्यूशन करेंगे यहाँ के आगे तो क्या बनेगा, रूट अंडर माइनस एक्स का स्क्वायर, देखिए माइनस एक्स है ना यहाँ पे, तो माइनस एक्स का क्या होता है स्क्वायर करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ हो जाएगा ऊपर का भी स्क्वायर करेंगे और नीचे का भी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा टेन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टा में दो का स्क्वायर फोर। तो यहाँ पे हम लोगों को कैसे निकल रहा है जरा देखिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बट्टा वन प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर सौ प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स के पावर फोर माइनस टू ए बी, तो टू गुना ए का वैल्यू दस और बी का वैल्यू एक्स स्क्वायर और बट्टा का पूरा फोर ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ की क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा हम लोगों का एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस सौ प्लस एक्स के पावर फोर ठीक है माइनस बीस एक्स स्क्वायर बट्टा में कितना फोर। फिर से हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक और चार का एलसीएम कितना होता है भाई, तो एक और चार का एलसीएम चार, अब एक से कितना बार में कट रहा है चार बार में, तो यहाँ हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस हंड्रेड प्लस एक्स के पावर फोर माइनस बीस एक्स स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रूट अंडर सौ हो गया सौ और प्लस प्लस एक्स के पावर फोर है तो एक्स के पावर फोर ठीक है, और यहाँ पे क्या बच रहा है चार स्क्वायर है ये माइनस, तो माइनस सोलह एक्स स्क्वायर
और बटा में कितना, 4। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ऊपर का तो रूट में रूट ही रहेगा, ठीक है, रूट अंडर कितना 100 प्लस एक्स के पावर 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2, ऊपर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट छोड़ दिए। दोस्तों यही ना हम लोगों का दूरी हुआ ए बी, और इसी के बारे में बोल रहा था नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब नज़दीक, नियर, तो यहाँ नियरेस्ट बोल रहा है, इसी को हम लोग मिनिमम भी बोल सकते हैं। तो जिसको मिनिमम या जिसको मैक्सिमम बोलता है ना, उसी को कुछ मानते हैं। तो लेट यहाँ पे एफ एक्स मानेंगे, क्योंकि यहाँ एक्स में फंक्शन है, तो एफ एक्स आया रूट अंडर 100 प्लस एक्स के पावर 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे यूजिंग फार्मूला करेंगे, कौन सा यूजिंग फार्मूला करेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल 0। तो इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कराएंगे, तो चलिए इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 बाहर हो गया, और रूट एक्स का हो जाता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट का अंदर कितना है, तो रूट के अंदर है, देख पा रहे होंगे, 100 प्लस एक्स के पावर 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। 100 प्लस एक्स के पावर 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से चैन रूल में अंदर वाले को डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो 100 का तो 0 हो जाएगा, x के पावर 4 का होगा 4x के पावर 3, और माइनस 16x स्क्वायर का हो जाएगा 32x। तो इधर हो गया डिफरेंशिएशन इक्वल 0। दोस्त यहाँ से अगर हम लोग ऊपर बात करें तो कितना हो गया, जरा देख लेते हैं, ऊपर हो गया 4x क्यू माइनस 32x बटा 2 दुना का 4। ठीक है, रूट अंडर 100 प्लस एक्स के पावर 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि जितना भी नीचे वाला रहता है तिरछा तिरछी गुना होता है 0 के साथ, तो पूरा 0। इट मीन्स कि 4x क्यू माइनस 32x इक्वल 0। अब यहाँ से कितना कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है, तो एक्स क्यू माइनस 8x बराबर 0। अब ये 4 गुना में है, तो ये नीचे जाएगा तो भागा में, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 8x इक्वल टू 0 भागा 4। तो ये तो 0, यानी कि एक्स क्यू माइनस 8x इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे होंगे कि एक्स क्यू और 8x में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू जो हम लोगों को यहाँ वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, तो एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 8 का जो वैल्यू है वो कितना हो रहा है, तो ज़रा ऐसे कैसे आ रहा है भाई, यहाँ कर रहे हैं तो ठीक हो जा रहा है, एक नया सिस्टम कहाँ से क्रिएट हो रहा है। एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि इसको हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, जब इनटू में होता है एक हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल 0, और ये माइनस 8 जो है उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 है तो प्लस 8। और दोस्तों जब ये रूट चढ़ेगा तो आंसर आ जाएगा हम लोगों को प्लस माइनस 2√2। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोगों का जो एक्स का वैल्यू आ रहा है, ज़रा देख लेते हैं कि हियर एक्स का जो वैल्यू आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू 0 एंड एक्स का वैल्यू प्लस में 2√2 एंड एक्स का वैल्यू माइनस में 2√2। तो एक्स का वैल्यू हमें 0 भी आ रहा है, प्लस में 2√2 और माइनस में 2√2। लेकिन हमें यहाँ सवाल देख पा रहे होंगे,
सवाल में यहाँ क्या बोल रहा है कि द पॉइंट ऑन द कर्व इतना इतना नियरेस्ट पॉइंट ऑन द जीरो, यानी कि किस पॉइंट पे नियरेस्ट है, ठीक है, कम आ रहा है वैल्यू किस पॉइंट पे। तो चलिए अब हम लोग इसको चेक करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, ज़ीरो, ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, ज़ीरो। तो एट एट एक्स बराबर ज़ीरो पे चेक करते हैं। तो चूंकि एक्स स्क्वायर बाई टू बराबर वाई आया था ना, तो एक्स की जगह पे कितना रखना है, ज़ीरो, ठीक है। तो एक्स की जगह पे ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो बाई टू, ठीक है ना, तो वाई का भी वैल्यू आ जा रहा है ज़ीरो, ठीक है। तो वाई का भी वैल्यू ज़ीरो आ रहा है, एक्स का भी वैल्यू ज़ीरो आ रहा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं एट एक्स बराबर प्लस में टू रूट टू पे चेक कर लेते हैं। तो इस पे चेक कर लेते हैं, तो चूंकि एक्स स्क्वायर बाई टू का वैल्यू कितना आया है, वाई। अब एक्स के जगह पे आप टू रूट टू रखिएगा तो टू रूट टू का स्क्वायर कितना होता है, आठ होता है, ठीक है, आठ बटा दो इज इक्वल टू वाई। तो वाई इसका भी वैल्यू फोर आया। आप देख पा रहे होंगे कि एक्स का वैल्यू टू रूट टू रखने से हम लोगों का फोर आ रहा है। ऐसे ही आप दोस्तों एट एक्स बराबर अब की बार माइनस टू रूट टू भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू हम लोगों को तीन ठो आया है, जीरो आया है, टू रूट टू आया है, माइनस टू रूट टू आया है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे तीनों पे चेक कर लेंगे। देख पा रहे होंगे जीरो पे जीरो आया, टू रूट टू पे फोर आया। वैसे ही जब आप इससे करेंगे तो वाई का वैल्यू यहाँ पे भी फोर आएगा। तो हम लोगों को तो दोनों जीरो होने से नॉट पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि दोनों जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों जीरो होगा तो ये ओरिजिन ना हो जाएगा। ओरिजिन मतलब कि अगर जीरो और जीरो बनेगा तो ये मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाता है, इसीलिए ये दोनों नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग एक्स का वैल्यू टू रूट टू और यहाँ पे वाई का वैल्यू एक्स का वैल्यू टू रूट टू, तो वाई का वैल्यू फोर, एक्स का वैल्यू माइनस टू रूट टू, तो वाई का वैल्यू फोर, यानी कि ये दोनों पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हियर एक्स के जगह पे कितना आया है, तो प्लस माइनस टू रूट टू, यानी कि दोनों ही रखने पे हम लोगों को वाई में कितना आ रहा है, फोर। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा टू रूट टू कॉमा फोर। ये प्लस माइनस में भी हो सकता है। जरा देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन देख पा रहे होंगे पहला जो ऑप्शन है वो टू रूट टू कॉमा फोर है, टू रूट टू जीरो है, जीरो जीरो टू टू, तो ये तो जीरो जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि ये मूल बिंदु बन जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का ये होगा। हालांकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं दिया है, सिर्फ प्लस लिया है, तो कोई बात नहीं, ये हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, मिनिमम होना चाहिए कितना पे, तो इतना। चलो भाई ये चीज़ तो हम लोग सिंपल है, यहाँ पे देख लो 28 नंबर क्वेश्चन था ना, 28 नंबर क्वेश्चन एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड कितना, तो 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो दोस्त मिनिमम वैल्यू निकालना रहे चाहे मैक्सिमम वैल्यू निकालना रहे, आपको क्या यूज करना है, यूजिंग एफ डैश एक्स इक्वल जीरो। अब एफ डैश एक्स कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो ये यू बाई वी पे है, यू बाई वी पे है, जरा लंबा चौड़ा होगा, पहले तो वी का स्क्वायर कर लो, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वी को बाहर कर लो, तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर कर लो, u का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 का तो 0, माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस 1, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। फिर u को बाहर कर लेते हैं, u को बाहर कर लेते हैं, तो u को बाहर करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, u को बाहर कर लिए। v का डिफ्रेंशिएशन, तो v का डिफ्रेंशिएशन जरा यहाँ पे कर लेते हैं, तो 1 का तो 0, x का 1 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 1 प्लस 2x इक्वल 0। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कि नीचे वाला जो चीज़ है वो 0 से मल्टीपल होगा, तो पूरा का पूरा क्या होगा, 0। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा,
तो वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फिर इंटू माइनस वन प्लस टू एक्स प्लस सॉरी माइनस होता है ना, भी को बाहर किया, यू का डिफरेंशिएशन माइनस होता है दोस्त, यहाँ पे बाई मिस्टेक माइनस होता है, ठीक है, माइनस कर दिया, माइनस वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। क्यों यहाँ पे कर दिया ज़ीरो, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे हम लोगों को इसका मल्टीपल करना है, माइनस फिर होता है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे आगे करें तो क्या बनेगा, वन को माइनस वन से करेंगे तो माइनस वन, और इसी वन को माइनस प्लस टू एक्स से करेंगे तो कितना होगा, प्लस टू एक्स। अब एक्स को माइनस वन से तो कितना बनेगा, माइनस एक्स, इस एक्स को इससे टू एक्स से तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को माइनस से तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर को टू एक्स के साथ टू एक्स का क्यू इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है ना दोस्त, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो ये चीज़ प्लस हो जाएगा, तो वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन वन को टू एक्स से कितना बन रहा होगा टू एक्स, माइनस एक्स को वन के साथ तो माइनस एक्स, माइनस एक्स को टू एक्स के साथ माइनस टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को वन के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को टू एक्स के साथ टू एक्स का क्यू। आप देख पा रहे होंगे कि बराबर के दोनों साइड जो जो इक्वल रहता है उसको काट देते हैं, टू एक्स इक्वल है, माइनस एक्स इक्वल है, टू एक्स क्यू इक्वल है, अब तो कुछ नहीं है इक्वल, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर और में से एक्स स्क्वायर घटा तो एक्स स्क्वायर बच रहा है इक्वल, यहाँ बच रहा होगा वन और यहाँ बच रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस में टू एक्स स्क्वायर है ये प्लस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला माइनस जब इधर आएगा तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले से ही है, और ये माइनस वाला जब इधर आएगा तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल, ये माइनस है ना उधर जाएगा तो कितना होगा टू हो जाएगा, तो टू से टू कट जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, वन का अंडर रूट यानी कि प्लस माइनस वन। दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करेंगे, हियर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एफ एक्स का वैल्यू कितना हो रहा है प्लस वन, सॉरी एक्स का वैल्यू हो रहा है प्लस वन एंड एक्स का वैल्यू हो रहा है माइनस वन, ठीक है। अब आप क्या करोगे एट एक्स बराबर प्लस वन, ठीक है, प्लस वन पे आप ना एफ एक्स निकालो, एफ एक्स कौन सा, तो जो हम लोग को सवाल में दिया था वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स आप एफ वन रख देना, ठीक है, वैसे ही जो भी वैल्यू आएगा आप फिर चेंज करना एक्स बराबर माइनस वन पे चेक करियो, ठीक है, तो आप एफ माइनस वन रखना यहाँ पे, जहाँ जहाँ एक्स है आप माइनस वन रखियो इस पे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि जो हम लोगों का मिनिमम आना चाहिए, ठीक है, हम लोगों का जो मिनिमम आएगा दोस्त, हम क्या बोल रहे हैं कि आप एफ वन पे भी रखिएगा जितना यहाँ पे वैल्यू आएगा, और एफ माइनस वन पे भी रखिएगा इसमें एक्स की जगह पे माइनस वन और जितना आएगा, ठीक है। अब दोनों में देख लेना है कि कम कौन सा है, यानी कि मिनिमम कौन है, यानी कि ये दोनों में मिनिमम कौन सा है, और जो जितना आएगा वही हम लोगों का मिनिमम का आंसर हो जाएगा, क्योंकि सवाल देखिए यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू, इसलिए आप वन पे भी यहाँ पे निकालेंगे और माइनस वन पे भी निकालेंगे, और दोनों में जो कम होगा, जैसे मान लिया है दो आएगा यहाँ चार हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा दो, तो दोनों में जो कम आएगा ना वो वन बाई थ्री आएगा, देखिएगा किसी में वन बाई थ्री आएगा तो जो कम होगा वो हम लोगों का आंसर होगा, तो इसका कम कितना आएगा वन बाई थ्री, आप खुद चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हम आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन फर्स्ट बुक एक्सरसाइज 6.5, दैट इज क्वेश्चन नंबर लास्ट मीन्स दैट 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, जो 29 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन का पावर वन बाई थ्री, जीरो से कहाँ तक वन, इसमें हमको मैक्सिमम चुनना है, ठीक है, इसमें क्या करना है भाई, मैक्सिमम चुनना है,
और मैक्सिमम का मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग 29 क्वेश्चन में आप लिखेंगे कि गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, तो ब्रैकेट एक्स एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स माइनस वन और फिर ब्रैकेट प्लस वन के पावर 1/3। अब इसके बारे में सवाल बोला, अच्छा फिर यहाँ लिखा है 0 से 1, तो 0 से 1 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ए से अगर ऐसा रहता है तो हम लोग इसको लिखते हैं ना ए और बी और दोनों तरफ ब्रैकेट, ठीक है, इसका मतलब होता है इक्वल लेकर, ठीक है, ये चीज़ का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। तो सवाल में ऐसे ही लिखा हुआ था, ऐसे 0 x 1, तो हम लोग 0 1 को हम लोग ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इसका वैल्यू किस मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो एफ एक्स जो भी रहता है हम लोग यूजिंग करते हैं क्या एफ डैश एक्स का वैल्यू 0। दोस्त एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 करिएगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन सही निकालते हैं तो एक्स का वैल्यू हम लोगों को निकलेगा। जैसे इसका डिफरेंशिएशन पता है किस कैसे निकलेगा, पहले तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि इसको ज़रा अच्छा से बना लेंगे, तो यहाँ क्या बन रहा होगा, यहाँ पे हम लोग ज़रा इसको अच्छा से लिखें, तो यहाँ बन रहा होगा एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स को माइनस वन के साथ, तो माइनस एक्स प्लस वन के पावर 1/3, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/3 पहले ही निकल जाएगा 1/3, और यहाँ बच रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के पावर 1/3 में से 1 घट जाएगा माइनस वन, और फिर इनटू चैन रूल क्या बोलता है कि अब इसका डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और माइनस एक्स का माइनस वन इक्वल 0, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि 1/3 तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही 0 हो गया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के पावर, जब 1/3 में से 1 घटेगा तो कितना बच रहा होगा -2/3 इंटू 2x माइनस वन इक्वल 0, क्योंकि 1/3 से डिवाइड कर दिए, और जब गुणनखंड होता है तो दो पार्ट में तोड़ते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के पावर -2/3 के पावर 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका वैल्यू, अच्छा इसका वैल्यू देख लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को कितना आ रहा है, तो एक 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2। दोस्त इसका वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि किसी का भी पावर -2/3 करने पे 0 नहीं आएगा, ठीक है, किसी का भी पावर अगर आप 0 करते हैं, ठीक है, आप बातों को समझिए, अगर आप ऐसा सिचुएशन लाना चाहते हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा, यानी कि इसका वैल्यू निकाला ही नहीं जा सकता है, ये नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि x का वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं, x का वैल्यू क्या रखेंगे कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा ना, तो x का वैल्यू हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि x का वैल्यू कितना आया 1/2, अब x का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे आ गया 1/2। अब जो x का वैल्यू 1/2 आया, ठीक है, x का वैल्यू कितना आया 1/2, 1/2 का मतलब समझ ही पा रहे होंगे आप, एक मिनट, हम लोग यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं ना किए हैं, x का वैल्यू इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, x का वैल्यू कितना आया 1/2, ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1/2, एक मिनट, अच्छा इसका वैल्यू भी देख लेते हैं हम लोग, x का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो हम लोगों ने सही किया, x को x से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, वो बाहर था, का पावर 1/3 था, और जब हम लोग डिफरेंशिएशन किए तो 1/3 बाहर हो गया, और ये इसका पावर बच गया, इसमें से 1 घटाते हैं तो 1/3 में से 1 गया तो कितना बचा -2/3, ठीक है। अब बेस का भी तो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का क्या बन गया 2x, एक्स का माइनस एक्स का माइनस वन इक्वल 0, ठीक है, इसको हम लोग अलग पार्ट तोड़ दिए, इसका अलग पार्ट तोड़ दिए। अब दोस्तों अगर मान लिया जाए
कि अगर इसको हम लोग नॉट पॉसिबल नहीं बनाते हैं, ज़रा देख लेते हैं कैलकुलेशन ट्राई करके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। दोस्तों इधर वाला जो पावर होता है ना, इधर पलट जाता है, मतलब जीरो का पावर 3/-2 होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 -2/3 था ना, तो यहाँ पे कितना होगा 3/-2। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसको हम लोगों को तोड़ना है। कितना में तोड़ेंगे कि हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा सिचुएशन, तो ये कभी टूट ही नहीं सकता है क्योंकि ये नॉट डिफिनेशन है, क्योंकि डी इज इक्वल टू निकालिएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर -1 आ रहा है और -4ac बड़ा आ जा रहा है, तो ये नॉट, सच में ये नॉट पॉसिबल है यार, ये नॉट पॉसिबल हो गया। अब क्या करना आप ना, अब आप करियो क्या कि एक्स का वैल्यू 1/2 आ गया, ठीक है, और हमें यहाँ पे ब्रैकेट दिया है 0 और 1। तो आप सीखे ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, एब्सोल्यूट यहाँ नहीं बोल रहे लेकिन फिर भी आपको एब्सोल्यूट वाला काम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे अब आपको चेक करना पड़ेगा एट एक्स बराबर, आपको 0 पे चेक करना पड़ेगा एफ एक्स कितना वैल्यू दिया है, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन के पावर 1/3। आपको यहाँ पे एक्स की जगह पे पहले 0 रखना होगा, ठीक है, एक्स की जगह पे पहले 0 रखना होगा। 0 रखने के बाद जितना एफ एक्स एफ 0 आता है, ठीक है, फिर आपको वैसे ही चेक करना होगा एट एक्स इज इक्वल टू कितना, 1 पे भी चेक करते हैं ना, तो एक्स इक्वल टू 1 पे भी चेक करना होगा, एफ 1 निकालिएगा, ठीक है, और आप एक और एक्स का वैल्यू आया ना 1/2, तो आप एट एक्स का वैल्यू 1/2 पे चेक कीजिएगा, मतलब एफ 1/2 निकालिएगा। ठीक है, सबका वैल्यू निकालने के बाद दोस्त अब तीनों में से देख लीजिएगा कि कौन बड़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बोला है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों में जो मैक्सिमम आएगा वो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो जब आप तीनों को सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, तीनों में जो आएगा उसमें 1 जो है सबसे बड़ा होगा और 1 हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप जरूर इसको निकालिएगा, चेक कीजिएगा कि कितना आता है तीनों में, ठीक है, और इसमें मैक्सिमम चुन देंगे। तो टोटल मिलाकर दोस्तों ये हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नामक चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक्स के साथ, एक नई थ्योरी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।